सनातन धर्म की जय जय
प्राण जीवन धन सीता राघव सरकार, प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार की युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करने वाले परिव्राज का चार परमहंस अवधूत श्रोमणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए जिनकी छत्र छाया में जिनकी कृपा से हम लोग प्रयाग के इस दिव्य पावन क्षेत्र में कुंभ के इस अवसर पर कथा का लाभ ले रहे हैं, वैष्णव कुलभूषण सुनाम धन्य आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज तथा उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज एवं उपस्थित सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन करते हुए यज्ञ के आचार्यगण तथा मंच में उपस्थित आचार्यगण विप्रवृंद सभी संत महापुरुष उपस्थित यजमान श्रद्धामयी ममतामयी माताओं बहनों आप सबका कथा सत्र में अभिनंदन करते हुए आए चतुर्थ दिवस की इस पावन कथा की श्रृंखला में प्रवेश करें, जहां की कल आप श्रवण कर रहे थे जिसे गोस्वामी जी अस्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ध्रुव सगलामी जपे वो हरिनाम, ध्रुव सगलामी जपे वो भगवान का भजन ध्रुव ने किया, ग्लानी पूर्वक भगवान का सुमिरन ध्रुव ने किया, तो भगवान ने ध्रुव को अचल पद की प्राप्ति प्रदान की। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान क्या नहीं दे देते। भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो,
तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेत पड़े में जामी है उल्टे सीधे भी। किसान जब खेत में बीज बोता है तो एक एक बीज को सीधा नहीं डालता, तो सीधे छीट देता है। जैसे उल्टे सीधे कैसे भी बीज बोने पर खेत में उग जाते हैं, ऐसे ही भगवान का भजन चाहे कैसे भी भाव से करो उसमें कल्याण होता ही होता है। ध्रुव जी ने दिव्य 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जाने का जब समय आया तो महाराज सुंदर विमान आया, पर स्वर्ग की कोई भी वस्तु मृत्युलोक को स्पर्श नहीं करती। ध्रुव जी को विमान में बैठना था, परंतु वहां पर कोई सीढ़ी कोई व्यवस्था नहीं थी, इधर उधर देख रहे थे। इतने पर एक काला काला पुरुष वहां पर प्रकट हुआ। काला काला पुरुष वहां पर प्रकट हुआ और महाराज ध्रुव जी ने पूछा, श्रीमान जी आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मृत्यु देवता हैं। तो यहां कैसे आ गए? बोले महाराज इस मृत्यु लोक से बिना मेरे सिग्नेचर के कोई जाता नहीं है। जब मैं अपनी मोहर लगा देता हूं तब यहां से कोई आगे की यात्रा करता है, परंतु आप जैसे भगवत भक्त को स्पर्श करने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही। हरि शरणम हरि शरणम ऐसा मुखे बचा, अतः काल समाधिस्थ जरा मृत्युर्नबाधते। भगवान के भजन में सुमिरन में वो पावर है कि काल भी साइड होकर खड़ा रहता है। मृत्यु देवता ने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पर मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इस विमान में बैठना है, तो ऐसा कीजिए कि मैं बैठ जाता हूं, आप अपना चरण मेरे माथे पर पधरा दें और आप विमान में बैठ जाए। और ऐसा ही हुआ। किसकी कृपा से हुआ? सदगुरु की कृपा से। नारद जैसे सदगुरु नहीं मिलते तो यह व्यवस्था नहीं बनती। काल के माथे पग धरे सदगुरु का उपदेश, सदगुरु पकड़ी बाघड़ी तो ले चले अपने देश। राखई गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राखई गुरु जो कोप विधाता, यदि परमात्मा भी एक बार कुपित हो जाए तो सदगुरु रक्षा करने में सामर्थ है, बचा लेंगे, परंतु यदि सदगुरु नाराज हो जाए तो परमात्मा भी बचाने वाला नहीं है। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु अज्ञा गरीयसी, और ध्रुव जी महाराज सदगुरु के उपदेश के प्रभाव से विमान में बैठ करके चल पड़े। याद आया
कि ये विमान जिनकी कृपा से मिला और उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो मेरी मां की है। रोको, मेरी मां को साथ लेकर के चलो। तब भगवान के पार्षदों ने एक दूसरा विमान दिखाया जो आगे आगे जा रहा था। पार्षदों ने कहा, पता है ये कौन है, कौन जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा, मुझे तो नहीं पता। तो भगवान के पार्षदों ने बताया, जो मां आप जैसे भगवत भक्त को जन्म देती है वो साथ में नहीं जाती, उसके लिए स्पेशल विमान आता है। वो अलग विमान में बैठ करके वो तुम्हारी मां जा रही है। इस प्रकार से ध्रुव जी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आज भी ध्रुव तारा विद्यमान है। सारे तारे इधर उधर हो जाते हैं, परंतु ध्रुव तारा वहीं का वहीं रहता है। सप्तऋषि मंडल उस ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं। जो बचपन है, ये जो बचपन का भजन है, इसी से बचपन पवित्र होता है। बचपन के सुमिरन से बचपन पवित्र होता है। बालापन ते हरि भजे जगते रहे उदास, सब तीर्थ आशा करें कब आवे गरीदा। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के महान धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा हुए राजा। बड़े उदार थे महाराज। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में इनकी बड़ी अद्भुत चर्चा है, अद्भुत चर्चा। ऐसा उदारवादी राजा आज तक नहीं देखा गया। जो कुछ सब संतों के प्रति इतनी भावना थी भाई, सब लुटा देते। परंतु दैव बसात उनके वंश में जो उनका बेटा हुआ, महान नास्तिक हुआ, जिसका नाम था बेन, बचपन में ही नदी में जाकर के बच्चों को डुबो देता, कहीं गड्ढा खोद के गाड़ देता, कहीं पहाड़ से धक्का दे देता, कहीं आग में झोंक देता, नाना प्रकार के उपद्रव उसने शुरू कर दिए। महाराज समझाते पर समझता नहीं। अंतोगत्ता उन्होंने रात्रि में सबको सोते हुए छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में कुटिया बना करके भगवान का सुमिरन करने लगे। वर्षा का समय था, बारिश घनघोर हो रही थी। एक महात्मा भींगा हुआ आ रहा था। महाराज मेरे कोई कुटिया नहीं है, कोई व्यवस्था हो जाती तो मेरा शरीर बच जाता। महाराज अंग ने उस अवस्था में जंगल में रह करके भी उस जो कुटिया अपने लिए बनाई थी उस कुटिया को खाली कर दिया। महाराज आप विराजमान होइए, मैं पेड़ के नीचे गुजारा कर लूंगा। ऐसे उदारवादी महापुरुष। जब ये बेन राजा बना, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम। जब बेन राजा बना महाराज, गद्दी में बैठते ही, शपथ ग्रहण करते ही पहला संबोधन था इसका, क्या था? न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवारयत् धर्मो बेरी घोषेण सर्व
आशा। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई दान नहीं देगा, आज के बाद कोई माता पिता की सेवा नहीं करेगा, आज के बाद कोई संतों का आदर नहीं करेगा, पितरों का श्राद्ध नहीं करेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों द्वारा।